हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। आज का मेरा ब्लॉग है फूड रेसिपी ब्लॉग, जिसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिंडी छोले और भटूरे। दोस्तों भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले भटूरे के लिए मैंने मैदा ले लिया है और दही ले लिया है एक पाव। मैदे को अच्छे से गूंथने के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा स्पून नमक, उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा तेल, ये थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा तेल। अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इनका अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ऐसे ही आटे को गूंथ दूँगी तो कहीं नमक रहेगा कहीं नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक बार पहले मिला लूँगी। मैं दही डाल दे रही हूँ, धीरे धीरे मैं दही को ऐड करके भटूरे की इस आटे को गूंथूँगी, क्योंकि क्या होता है कि दही कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो आटा इतना ज़्यादा ढीला हो जाता है कि भटूरा बनने में बहुत दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे जैसा मुझे लगेगा कि जितनी ही दही की ज़रूरत है मैं उतनी ही दही यूज़ करूँगी। भटूरा बनाने के लिए भटूरे के आटे को एक घंटा पहले गूंथना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें खमीर उठना चाहिए, क्योंकि खमीर नहीं उठता है तो फिर वो भटूरा अच्छा नहीं बनता है। इसलिए मैं छोला बनाने के पहले ही भटूरे को, उसके आटे को पहले प्रिपेयर कर ले रही हूँ। दोस्तों भटूरे के आटे को जितना अच्छे से जितना ज़्यादा गूंथेंगे उसमें खमीर भी उतने अच्छे उठते हैं और वो भटूरा अच्छा बनता भी है। आटा कम गूंथा रहता है तो दिक्कत ये हो जाती है कि भटूरा फूलता ही नहीं है। मैं इसे अच्छे से डो बना दूंगी। इसका आटा गूंथ ले, मैं इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा करके, आपके पास जो भी हो, अगर गीला कपड़ा है साफ आप उससे इसको ढक, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। मैं इसको एक पॉलीथीन में रखूँगी। अभी दो दिन पहले हम घी लाए हैं, उस पॉलीथीन में थोड़ा सा घी लगा हुआ है, वैसे ये घी भी यूज़ हो जाएगा और इसका डो जो है अच्छे से उसमें उठ भी जाएगा इसका खमीर। मैं इसी में इसको अच्छे से सील करके रख दूँगी, इससे आटा नरम भी रहेगा और उसका खमीर भी अच्छा उठेगा। अब मैं छोले देख लेती हूँ। छोला मैं पहले से उबाल चुकी हूँ। उबालने में मैंने नमक और थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड की हुई थी और इसके चार विसल दिए थे। चार सीटी में अच्छे से पक चुका है। कॉफ़ी मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसका कोई फ्लेवर भी नहीं आता है और उसका रंग अच्छा चढ़ जाता है। आप चाहें तो आप चाय पत्ती एक पोटली बना करके जब आप छोला उबाल रहे हैं तब डाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। छोला बनाने के लिए मैंने खड़े मसाले के साथ ये मसाले लिए हुए हैं, जिसमें चार प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची है। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको तीखा खाना हो। खड़े मसाले में मैंने खड़ी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, आपके पास जितने खड़े मसाले जो आपको ऐड करने हो आप आराम से ऐड कर सकते हैं, जो जो आपको अच्छा लगता हो छोले बनाने में, क्योंकि छोला जो होता है वो बहुत ही स्पाइसी होता है तभी वो अच्छा लगता है। मैंने चार बड़े प्याज लिए हैं, लहसुन और मिर्ची, अदरक, मुझे टमाटर भी ऐड करना है पर इसमें जगह नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अभी इसमें टमाटर ऐड नहीं किया हुआ है। अब मैं इस मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। छोले के लिए मसाले तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये मसाला तो मेरा फेवरेट है। इसका कलर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा औसम बना देता है छोलों को। ये है मेरा एक अच्छा सा सुपर पेस्ट। अब मैं इसमें टमाटर डाल के ऐड करके इसी में पीस दूँगी। मैंने दो टमाटर लिए हुए हैं, आपको जितना टमाटर डालना हो आप उतना डाल सकते हैं। ये है मेरा टमाटर के साथ, ये मेरा इतना मसाला हुआ है। आप जितना चाहे आप कम भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कुकर को रख दिया है, मैंने उसी कुकर को रखा है जिसमें मैंने छोले को उबाले थे। आप चाहे तो आप कढ़ाई में अच्छे से बना सकते हैं। छोला बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। आपको जो ऑयल यूज़ करना हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा पसंद होता है जिसकी वजह से हमने ये यूज़ किया है। मैंने इसमें थोड़े पत्ते डाल दिए हैं, तेज पत्ता। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाएगा, भून जाएगा, उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल के मसालों को डाल के भून लूँगी। तेज पत्ता तो छोले की शान होती है, तेज पत्ता तो डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट हो गया है, तेल थोड़ा कम पका था तभी मैंने तेज पत्ता डाल दिया, पर कोई बात नहीं, तेज पत्ता बुरा नहीं मानेगा। तेल अच्छे से हो चुका है, तेज़पत्ता भी पक चुका है, मैंने जीरा डाल दिया। मैं फटाक से इसमें मसाले ऐड कर दूंगी।
मसाला डालने से पहले ही मैं इसमें सूखे मसाले भी डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे पहले से पानी में भिगो करके रख सकते हैं या फिर लोग दही में भी भिगा के रखते हैं, जिससे कि वो मसालों का जो फ्लेवर हो वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन इसमें भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना लिक्विडी है कि वो मसाला खुद ही ऑब्जर्व कर लेगा उसमें से पानी। अब मैं इसे तब तक भूनूंगी जब तक ये मसाले तेल ना छोड़ दें। छोला बनाने के लिए मसालों को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत होती है, और पिंडी छोले में तो मसाले ही पिंडी छोले की शान होते हैं। इसलिए जितनी अच्छी तरीके से पके रहेंगे छोले उतनी ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनेंगे। मैं इसको ढक दूंगी ताकि इसका जो एयर है वो ना निकले और वो अच्छे से मसाला पक जाए। मसाले जब तक पक रहे हैं तब तक मैं कर लेती हूँ पिंडी छोला तड़के की तैयारी। ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। तड़के के लिए मैंने लिया हुआ है 2 प्याज, मिर्ची, अदरक, 1 बड़ा आलू। अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अनुसार आप अदरक और मिर्ची इनको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने इतना लिया हुआ है। अब मेन थिंग मैं छोले में डाल देती हूँ छोला मसाला। छोला मसाला के बिना छोले अधूरे होते हैं। और आप सोच रहे होंगे मैंने इन्हें बाद में क्यों ऐड किया, तो ये रोस्टेड होते हैं, ऑलरेडी पके हुए होते हैं। मैं पहले डाल देती तो इनका तो स्वाद ही ख़त्म हो जाता, इसलिए मैं बीच में जब मेरे मसाले पक चुके हैं अच्छी तरीके से तब मैं इन्हें डालूंगी, जिससे कि इनका स्वाद और उनका जो मसाले की जो फ्लेवर हैं वो अच्छे तरीके से छोले में आए। गार्निशिंग के लिए मैंने दही रखा हुआ है, मैं अभी इसे नहीं यूज़ करूँगी। मैं थोड़ी देर बाद जब मैं उसमें छोले डाल दूँगी तब इसको यूज़ करूँगी। मसाले बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं, अब ये छोले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं अब छोले को प्रिपेयर कर लेती हूँ इनमें डालने के लिए। ये मेरा छोला है, अब मैं इसको अच्छे से धुल लूँगी। अगर मैं चाय पत्ती ऐड करके इसको बॉईल करती तो शायद मैं इस पानी को ज़रूर यूज़ करती, पर मैं अब इस पानी को छोले में यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें कॉफ़ी पूरी तरीके से मिल चुका है। और जब हम पानी को हटा देते हैं और तब ये छोला बनाते हैं तो उसमें कॉफ़ी का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता है, जिससे छोला जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं इसे 2 पानी से अच्छी तरीके से धुल लूँगी, जिससे ये जो कॉफ़ी वाला पानी है वो पूरी तरीके से स्ट्रेन हो जाए। छोले का कलर इतना फाइन होता है कॉफ़ी डालने से कि छोला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, खाने में भी और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। एकदम पके हुए हैं छोले। छोले को पकाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर छोले ज़्यादा पक जाते हैं तो वो हलवा हो जाते हैं, और कम पके रहते हैं तो मन करता है लाओ इसको पड़ोसी को दे दें। तो मेरे छोले अच्छे तरीके से पके हुए हैं, अब मैं इनको डायरेक्ट डाल दूंगी मसाले में। और थोड़ी देर के लिए, मिनिमम 5 मिनट के लिए मैं इन्हें उनके साथ छोड़ दूंगी, जिससे वो अच्छी तरीके से एक दूसरे से मेल मिलाप कर ले, सारे छोले मसाले में और मसाला छोले में अच्छी तरीके से मिल जाए। मसाले का कलर बहुत ही फाइन आया हुआ है, जैसा मैं चाहती थी। पिंडी छोला इसी तरीके से होता है, जिससे कि उसका जो ब्राउन जो होता है पिंडी छोला, वो पूरी तरीके से छोले में भी हो और मसाले में भी हो। अब मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट इसी तरीके से सिर्फ मसाले में, उसके बाद में पानी डाल के इसको सीधा ऐड करके रख दूंगी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा ग्रेवी खानी है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कीजिए, कम ग्रेवी खानी है तो कम पानी ऐड कीजिए। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को। नमक आप अपने स्वादानुसार ही डालेंगे, जितना आपको ज़रूरत है। पानी मैं देखेंगे आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें मैं कुकर में भी अभी भी थोड़ी देर के लिए इसको कुक करूँगी, जिससे वो पानी जो होता है वो सोख लेता है और बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी बनेगी इसकी। ना मैं चने को इसमें मैश करने वाली हूँ, ना तो मैं अलग से कुछ अलग डालने वाली हूँ कि वो उसकी ग्रेवी गाढ़ी हो। ग्रेवी ऑलरेडी मसाले और छोले से गाढ़ी हो जाएगी। अब हम बनाने वाले हैं पिंडी छोले का तड़का। तो इसमें मैं यूज़ करूँगी मस्टर्ड ऑयल। मैंने आपको पहले भी बोला, आपको जो ऑयल पसंद हो, ऑलिव ऑयल,
या फिर रिफाइंड, जो भी पसंद हो आप उसको इजीली यूज़ कर सकें, जो आपके मुंह के टेस्ट को अच्छा करता हो। ताकि मैं आप राई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको राई अच्छा लगता हो, आपको पसंद हो। मैं राई नहीं यूज़ करूँगी और मैं जीरा भी नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि अब अगर मैं जीरा उसमें ऊपर से डालूँगी तो वो दिखने वाला नहीं है, और मैंने पहले जीरा अच्छे से डाल दिया है। मैं प्याज, आलू और ये कटे हुए मिर्च और अदरक इसमें धीरे धीरे डाल दूँगी। अगर आपको गेस्ट के सामने अच्छा प्रेजेंटेशन देना है अपने पिंडी छोले का, तो आप ये जो अभी अदरक और मिर्ची तड़के में लगा रहे हैं, तो आप उसे हल्का सा ही भुन के निकाल सकते हैं, जिससे कि वो उसका जो कलर होता है वो अगर आप ऊपर से डालते हैं छोले पे तो बहुत ही सुंदर दिखता है। मुझे भी आप लोगों को ऐसे ही करके दिखाना था पर मैं भूल गई, कोई बात नहीं, आप मत भूलिएगा अगर आप ऐसा बना रहे हैं। मैंने थोड़ा सा ही ब्राउन करूंगी, क्योंकि आलू डालने के बाद जब ये पकेंगे ना तो ये इतने ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे जितना हम चाहेंगे भी नहीं। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया हुआ है, क्योंकि वो जब मैं छोले में डालूंगी ना तो वो ऑलरेडी नमक का टेस्ट उसमें आ जाएगा। छोड़ दे रही हूँ मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए ढक के, वो स्टीम होके अच्छे से पकेगा। ये है मेरा छोला, ये पकने के लिए रेडी है, वो पक रहा है। भटूरे के आटे को क्योंकि मैंने एक घंटा पहले गूंथा हुआ था तो उसमें जो खमीर है वो मस्त उठ चुका है। मैं इसे पॉलीथीन से निकालने के बाद भी थोड़ी देर अच्छे से उसको गूंथूंगी। मैं अभी भी इसको अच्छे से एक बार गूंथ दे रही हूँ। आप देख रहे होंगे कितना थोड़ा सा आटा था और कितना ज़्यादा हो गया। हमारा तड़का पूरी तरीके से रेडी होने को तैयार है। आलू पक चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इन्हें रेड करूंगी, जिससे कि वो पिंडी छोले में जब डले ना तो मस्त तरीके से अच्छे दिखें। छोला बहुत ही अच्छा कलर आया और बहुत अच्छे से पक भी चुका है। अब हमें इंतज़ार है इनके रेड होने का, जिसकी वजह से हमने थोड़ा फ्लेम हाई कर दिया है, जिससे ये रेड हो जाएं। जो प्याज कुरकुरी होती है ना, वो तो पिंडी छोले में अलग ही मस्त टेस्ट लाती है। इस समय मैंने प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया था, आप देख रहे होंगे ये मस्त तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। इसलिए अगर आप तड़का लगा रहे हैं तो प्याज को मत ब्राउन कीजिएगा, नहीं तो आलू पकते तक तो वो काला हो जाएगा। आलू ऑलमोस्ट जितना मैं चाहती हूँ उतने रेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इन्हें डायरेक्ट ऐड करूँगी छोले में। मेरा छोला पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और अब मैंने उसका फ्लेम भी ऑफ कर दिया है। आप चाहें तो अपने सर्विंग बाउल में, जिसमें आप सर्व कर रहे हैं डायरेक्ट, उसमें भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन उसमें लगाने से सिर्फ एक दिक्कत आएगी कि जो छोले का टेस्ट है वो आलू में नहीं आएगा। ऐसे पे मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा जब छोले में डाल दूंगी तो वो इतनी तेज़ टेस्ट ले लेता है छोले का कि लगता ही नहीं है कि हम आलू खा रहे हैं। गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी, क्योंकि बटर मेरा फेवरेट है, मैं वैसे मैक्सिमम फूड्स में बटर डालती ही हूँ। वो अपने आप थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद जो ऊपर वो ऑयल का कलर लाता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोरिएंडर लीव्स मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि कोरिएंडर लीव्स जब छोले में पहले से ही पड़े होते हैं ना तो वो भी मस्त पके पके टेस्ट देते हैं, अदरवाइज़ वो कच्चे ही लगते हैं जब उसको गार्निशिंग के लिए ऊपर से देते हैं। पिंडी छोला पूरी तरीके से बनके रेडी है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने छोले बहुत बार बनाए हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, लेकिन जब मैंने पिंडी छोला बनाया ना उसका तो स्वाद ही पूरी तरीके से अलग था, इतना ज़्यादा टेस्टी, एकदम ऑसम फीलिंग देता है। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैं एक बार अपने बच्चों को भी देख लेती हूँ। ओह माय गॉड, मम्मी का मटर छीलने का बिल्कुल मन नहीं था, पर ये लोग इतना परेशान कर रहे थे मम्मी को कि मम्मी ने इन लोगों को बिजी करने के लिए मटर लेके बैठ गए। Thank you.
भटूरा बनाने में मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत है। बस एक ही चीज़ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जो तेल है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, जिससे कि आप जब भटूरा डालें तो मस्त तुरंत फूल जाए।